देशभरात महाशिवरात्रीच्या उत्सवानिमित्त भाविकांमध्ये शिवभक्तीचं भरतं आलंय. हरिद्वारपासून उज्जैनपर्यंत सगळीकडे हर हर महादेवाचा गजर दुमदुमतोय. सकाळी उज्जैनच्या महाकालेश्वरावर भस्माचा अभिषेक करण्यात आला. 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असणाऱ्या महाकालेश्वराच्या दर्शनासाठी भक्तांची रेघ लागली. शिवभक्तांचा बम बम भोले आणि ओम नमः शिवायचा गजर साऱ्या देशात सुरू आहे. पांचों तत्वों को भगवान शिव ने यहाँ भस्म के रूप में धारण किया है. भगवान शिव को जो भस्मी चढ़ाई जाती है वो पांच मंत्रों से अभिमंत्रित कर चढ़ाई जाती है. उन पांचों मंत्रों से जब भगवान शिव पर भस्मी चढ़ाई जाती है तो उसको देखने मात्र से ही, और उसको स्पर्श तो नहीं कर सकते हैं, उसके देखने मात्र से ही समस्त प्रकार के पाप क्षय हो जाते हैं. इसलिए ज्योतिर्लिंगों के अंदर दक्षिणमुखी होने के कारण और भस्म आरती का महापर्व होने के कारण, शिवरात्रि महापर्व होने के कारण भस्म आरती का बड़ा महत्व है. कहीं नहीं मिलते है भारत में, यही ऐसा आरती मिलता है, कहीं नहीं मिलता है. धन्य हो गया महाराज जी. आज की आरती इतना बढ़िया था कि आज तक हमने ऐसी आरती देखी थी, आशीष गुरु जी की आरती थी. एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्तों महाकाल का. जय श्री महाकाल. बहुत अच्छा लगा और सारे भक्तों की सब मन की इच्छाएं पूरी होंगी, ये मेरी मन की भावना है. और यहाँ पे हर भक्त की इच्छा जरूर पूरी होगी, ये मैं दिल से बोलती हूँ. श्री 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.